दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप किस तरह से अपने झड़ते बालों का झड़ना रोक सकते हैं और किस तरह से आप अपने कमजोर पतले बालों को मोटा बना सकते हैं। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने, मोटे तथा स्वस्थ हों। इसके लिए बालों के एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं यानी पूछताछ करते हैं और उनसे कई तरह के सवाल करते हैं और उसके बाद तमाम महंगे हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्लर में हजारों रुपए खर्च करके हेयर स्पा और हेयर केयर के ट्रीटमेंट करवाते हैं जिसका साइड इफेक्ट हमें शुरू में या बाद में जरूर दिखाई देता है, जिससे हमारे बाल पहले से भी ज्यादा खराब, कमजोर और पतले हो जाते हैं। तो दोस्तों इन सब परेशानियों से बचने के लिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने बालों की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने बालों को स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस नुस्खे को हम बनाना स्टार्ट करते हैं और बताते हैं हम आपको वह नुस्खा जिसको अपनाकर आप अपने बालों की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कलौंजी। यहाँ दोस्तों आपको इसे पीसना है और इसका बारीक पाउडर बना लेना है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी कलौंजी को बारीक पीस लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कलौंजी लेनी है और इसका बारीक पाउडर बना लेना है। इस नुस्खे में आपको एक चम्मच कलौंजी का पाउडर लेना है और एक खाली बाउल में निकाल लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको लेनी है एक प्याज और प्याज का आपको इसके अंदर रस ऐड करना है। तो दोस्तों हमने प्याज को भी ऑलरेडी पीस रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस तरह से प्याज को पीस लें और उसके बाद एक चम्मच प्याज का रस इसके अंदर ऐड कर लें। इसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर तीसरी चीज ऐड करनी है, आंवले का तेल। तो दोस्तों इस तरह से आप एक चम्मच आंवले का तेल इसके अंदर ऐड कर लें। तो दोस्तों एक चम्मच आंवले का तेल आप इसके अंदर ऐड कर लें। इसके बाद दोस्तों आप इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों इसके अंदर हमने सबसे पहली चीज ऐड की है कलौंजी। दोस्तों कलौंजी हमारे बालों की जड़ों के रक्त परिसंचरण में सुधार करती है और यह हमारे बालों के बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि कलौंजी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे रक्त के साथ जाकर स्कैल्प तक पहुंचते हैं और हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं। साथ ही दोस्तों वे हमारे बालों के विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे हमारे बालों का बढ़ना तेज हो जाता है और हमारे बाल स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर ऐड किया है प्याज का रस। दोस्तों प्याज का रस हमारे बालों को सफेद होने से रोकता है और हमारे बालों को जड़ से काला बनाता है, क्योंकि प्याज में कैटलस नामक एंजाइम पाया जाता है जो डैंड्रफ के पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। दोस्तों प्याज के रस में सल्फर और केराटिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे बाल लंबे, घने और मजबूत बनते हैं। दोस्तों सल्फर के कारण स्कैल्प में कोलेजन का निर्माण होता है, जिससे बालों की कोशिकाओं में विकास होता है और हमारे बाल जड़ों से मजबूत होते हैं और हमारे बालों का विकास भी बेहतर तरीके से होता है। इसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर ऐड किया है आंवले का तेल। दोस्तों आंवले का तेल भी हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाने का काम करता है तथा बालों के टूटने और झड़ने की समस्या को खत्म करता है, क्योंकि आंवले में एंटी बैक्टीरियल, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बालों की विभिन्न समस्याओं के खिलाफ झगड़ा करते हैं और बालों की ग्रोथ को उत्तेजित करते हैं। दोस्तों आंवला हमारे बालों से जूं और डैंड्रफ जैसी समस्याओं को भी दूर रखता है तथा हमारे बालों के विकास के लिए अति आवश्यक विटामिन और खनिजों की आवश्यकता को पूरा करता है, जिससे हमारे बालों का टूटना व झड़ना बंद हो जाता है और हमारे बाल तेजी से ग्रो करने लगते हैं। तो दोस्तों हमने इस नुस्खे में जिन चीजों का इस्तेमाल किया है वह हमारे बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने वाले हैं और हमारे बालों की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इन सारी चीजों को 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको इसे अपने बालों में किस तरह से अप्लाई करना है वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको इसे उंगली के द्वारा इस तरह से लेना है और अपने बालों की जड़ों में आपको इसे पोर्वों के द्वारा लगाना है। यहाँ दोस्तों आपको इसे इस तरह से अपने बालों की जड़ों में लगाना है और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और आधे घंटे के बाद जब यह सूख जाए यानी इसका पोषण हमारे बालों में समा जाए तो आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। दोस्तों यह हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। आपको इस नुस्खे को हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है और एक हफ्ते के इस्तेमाल के बाद ही आप देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना धीरे धीरे रुकने लगा है और आपके बालों की जड़ें भी मजबूत होने लगी हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेमेडी। आई होप कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो बालों की समस्या को लेकर परेशान है वो हमारे इस नुस्खे से फायदा उठा सकें और अपने बालों की समस्या को भी दूर कर सकें।